राम अंगली आ गया यहाँ, हाँ खड़ी हो जाओ, दोनों हाथ जो खड़ा कर रहे हैं जी बहन, हाँ हाँ आप मुड़ के मत देखो, खड़ी हो जाओ, पट्टा बांधे हो, हाँ तो आप आ जाइए, आइए, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। हमने जो बाहर वाले बुलाए थे उनको पुलिस प्रशासन के कानों में आवाज़ तो जा ही रही होगी, उनको इंट्री जरूर दे देना माइक ले। अरे रोते नहीं बहन, बालाजी की देखो कितनी दया, लाखों लोगों में बुला लिए, और तुम कह रहे थे कि असंभव है, क्या पता हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं, हमारी भक्ति कहीं वृथा ना हो जाए, वरना घर वाले हम पर हंसेंगे कि बड़ी बागेश्वर बाबा करती है और तुम्हारी बाबा ने तुमको देखा तक नहीं है, है? इसीलिए बुलाया है, जाके कह देना बुलाया भी है और अर्जी भी लगाई। साधु जी, अरे ओ साधु जी, पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मयूर विहार। मयूर विहार दिल्ली में ही है कहीं? हाँ जी। पहली बार आए हैं? नहीं, कल परसों भी आई थी, कल भी आई थी। अच्छा, परसों तो हम थे नहीं, कलकत्ता में आई थी। हाँ, पर बाहर ही से वापस लौट गई थी, एंट्री नहीं मिली थी। एंट्री नहीं मिली थी, बाहर से लौट गई। एंट्री कहीं नहीं मिली, अंदर आने नहीं दिया था किसी ने ना। हाँ, यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो रही ना। हाँ। भीड़ ज्यादा होने के कारण पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत ही समझदार है, ताकि किसी को असुविधा ना हो और स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना हो, इस जिम्मेदारी को दृष्टिकोण में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है, जो अच्छा है। प्रश्न करें आप। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दो दोनों बेटे हैं वो अच्छे से पूजा पाठ करें। ठीक बहन। तरक्की करें, गलत रास्ते पे ना जाएं। जी। मेरे पति भी खूब पूजा पाठ करें, सही रास्ते पे चले। जी। हमारे घर में खूब पूजा पाठ हो, खूब बरकत हो। ठीक है बहन। सब स्वस्थ रहे। अच्छा, आपकी निजी दिक्कत भी है, बोलो बिना माइक के। माइक ले लो, ना बोले पर पढ़ तो सकते हैं। हाँ या हाँ, ना तो बोल सकते हैं। हाँ, सही है, मेरी कमर में दर्द रहता है, परेशान है। हाँ, कलेश होता है, कलेश तो कम, पौआ लेते हैं, सुधर जाएंगे। हाँ, दोनों बालकों पर कृपा होगी। हाँ, सुख शांति रहेगी। हाँ, भक्ति का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए ना पिंक लाइट पेन भी लाई थी। लाओ पेन, तो उन्होंने रख लिया, चॉकलेट लाई थी आपके लिए। ठीक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सच है, मतलब बस मैंने ये सोचा। अपने हाथों चोटियां ले लो बहन जी। सही में मुझे यही लग रहा है, अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मोनिका दीदी ने मुझे फोन किया कि कथा में चल, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर उनके बेटे ने मुझे बताया कि एक काम करना दीदी, आंटी आप ना रात को 5 बार ना हनुमान चालीसा का पाठ करना। उन्होंने मुझे बताया। राहुल नाम है उनका। और मेरे दिमाग में सोते सोते आया 1 बजे, मैंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और देखो आपने मुझे बुला लिया, और उनकी अर्जी नहीं लगी राहुल भैया की। अच्छा, जिनने बताया वो फुक्का रह गए, उनकी नहीं लगी बेचारे वापस गए वो। बहन, हमने कुछ और आपके लिए लिखा एक लाइन में, तथा ठाकुर जी की भक्ति अविरल कृपा आप पर होगी, और आप ठाकुर जी को खूब ध्याते रहें, और उनको जो उनकी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, ठाकुर जी को घर पे स्थान आपने दिया है, और आज बहुत ही हरीरे और गोल्डन रंग के वस्त्र आपने पहनाए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, उनको आप खीर का प्रसाद सदा लगा दें। नहीं 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 बहन, नहीं बहन, हमारा नियम है बहन, हमारा नहीं। अरे मेरी माँ। हेलो, हाथ भर छू लो, हाथ भर छू लो, बस बस बस, जय हो, खुश रहो, वहाँ भभूति मिलेगी। पहुँचाना है पक्का, मंत्र का वो बता देंगे माइक से, नहीं माइक मंत्र बोलते हैं, जय हो मैया।
ये हमें दे दो, ये कहाँ ले जाओ वापस। हाँ अच्छा, हम बोल ले लेंगे, चिंता मत। थैंक यू। खा लो गुरु जी के प्राण। आइए, सीताराम।